मनोभ्रंश या भुलक्कड़पन की बीमारी या याद नहीं रहना बहुत कॉमन हो गया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बुढ़ापे के मनोविकार है और बुढ़ापे के स्मृति भ्रंश है जो आजकल बहुत कॉमन है उसके बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये पुरुष मेरे पास मिला है, मेल पेशेंट, 79 साल की उम्र है, 79 ईयर्स। आजकल बहुत लोग ऐसे आ रहे हैं कि जिनकी उम्र 70, 75, 80, 85, 90, मतलब ये रेंज में है और उनको मेमोरी लॉस है, मेमोरी का प्रॉब्लम है। उनके बेटे बेटियां मेरे पास में लाते हैं। अब ये बहुत ही आइडियल है केस, ये पेशेंट, तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। जैसे उनको लाया तो उनकी बेटी ने मुझे कहा कि इनको घर में रखना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरा भाई है, मतलब उनके बेटे, पेशेंट के बेटे, वो रखने को तैयार नहीं, उनका घर छोटा है। मैं रखने को तैयार नहीं कि मेरे पति या मेरे बच्चे नहीं बोलते हैं। अब हमको प्रॉब्लम है कि रखना कहाँ है इनको, घर में बहुत प्रॉब्लम देते हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लॉस हो चुका है। ये पुरानी पुरानी यादें उनको अच्छी लगती है, वो अच्छी रहती भी है यादें, मतलब उनको पूछो उनकी शादी कब हो गई, बच्चा कब हुआ पहला, तो है याद, मगर कल क्या खाया पिया, परसों क्या खाया पिया, कल कौन मिला था, ये उनको याद रहता नहीं है। वो पुरानी पुरानी यादें निकालेंगे, वही बातें करेंगे बार 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 बार, फिर उनके तरफ ख्याल दिया नहीं तो चिड़चिड़पना कर देते हैं, नींद नहीं आती है और गुस्सा आता है। और आजकल उन्होंने चालू किया है किसी के ऊपर शक लेना। एक तो उनको कम सुनाई आता है, फिर कुछ बोलने लगे लोग तो उनको लगता है कि भाई अपने बारे में बोल रहे हैं, या तो मुझे इन्वॉल्व करो, मेरे को बोलो, बोले क्या तुम बोल रहे हो। अच्छा, उनको बोलना तो उनको सुनाई कम आता है तो उनको इंक्लूड नहीं करते लोग घर के। फिर ऐसा नहीं किया तो उनको लगता है कि मुझे अकेला छोड़ दिया, फिर और चिड़चिड़ करेंगे। फिर कोई भी दिख गया उनको शक आता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह के ये पेशेंट जो है, ये डिमेंशिया के पेशेंट है, स्मृति भ्रंश है, मनोभ्रंश है, और ये बहुत कॉमन हो चुका है। 65 साल के बाद में तो काफ़ी लोगों को ये दिखती है बीमारी कि हो रही है करके। ये बीमारी में आपकी सोच, थिंकिंग, स्मृति मतलब मेमोरी, तर्क मतलब लॉजिक, मनोदशा मतलब मानसिक कंडीशन, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी, और व्यवहार मतलब बिहेवियर, ये बहुत प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 85 ईयर्स, 85 साल के ऊपर के 50% लोगों को ये डिमेंशिया की बीमारी है। 65 साल के ऊपर जो लोग हैं उनमें से 5 से 8% लोगों को ये मनोभ्रंश की बीमारी है। और ऐसा साइंटिस्ट लोगों का भी ऐसा अंदाज है कि 2060 तक, ईस्वी सन 2060, अभी चल रहा है 2024, 2060 तक ये जो स्पीड से बढ़ रहा है अभी, तो 3.3% लोगों को ये बीमारी होगी, 100 में से 3.3, बल्कि उन्होंने बहुत कम आंकड़ा बताया हुआ है, कुछ कुछ आंकड़े तो 5 से 6% बोलते हैं। ये प्राथमिक बीमारी है, मतलब प्राथमिक कंडीशन दी जाए फर्स्ट, बाकी कोई बीमारी नहीं है, यही बीमारी है तो उसको बोलते हैं अल्जाइमर्स डिसीज, अल्जाइमर का डिमेंशिया। दूसरा प्रकार है स्ट्रोक, मतलब रक्तवाहिकाएं जो है वो छोटी हो जाती है, कहीं कहीं जगह बंद हो जाती है, फिर वहाँ खून दौड़ना कम हो जाता है और ब्रेन का वो हिस्सा मर जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे एरिया जो है ब्रेन के काम करना बंद कर डालते हैं, लैक्यूनार इन्फार्क्ट बोलते हैं, और उसके वजह से मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया होता है, और उसका प्रमाण टोटल डिमेंशिया में 15 से 25% है, और पूरे डिमेंशिया में 5 से 10% लोगों को लेवी बॉडी डिमेंशिया है, लेवी बॉडीज का डिपोजिशन होता है ब्रेन में। अच्छा, हंटिंगटन स्कोरिया जिनको हुआ है बीमारी, उनको भी डिमेंशिया हो सकता है, ये भुलक्कड़पन की बीमारी। पार्किंसंस डिसीज जो है उनको भी होता है। तो ये लोग घर में बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं, बार बार चीज़ें भूलना, फिर खाया कि नहीं खाना वो भूल जाते, फिर और मांगते खाना खाने को, नाश्ता किया कि नहीं भूल जाते, दोपहर का खाना खाया कि नहीं भूल जाते, फिर चीज़ें बार बार दोहराएंगे, वस्तुओं को गलत स्थान पर रख देंगे, उनको तारीख, आज का महीना, साल ये मालूम नहीं रहता है, भान नहीं रहता इसका, इनकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे लेडी है तो चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, मतलब उनको भी वो सूझता नहीं है कैसे करना, रिमोट कंट्रोल टीवी का कैसे चलाना है, उसमें कोई समझो टीवी का कोई बटन दब गया तो ये फिर से ठीक नहीं कर सकते इसको,
फिर लॉजिकल थिंकिंग, तर्कसंगत सोच जो है वो इनमें निकल जाती है। नींद जो है वो बेकार, मतलब एकदम ऐसा इरेगुलर हो जाती है नींद, कभी रात को सोएंगे कभी दिन को सोएंगे फिर रात को जगेंगे। शौच में, स्नान करने में, मतलब शौच में जाने के लिए लेटरिन भूल जाएंगे, कहाँ जाना, गलती जगह जाके बैठ जाएंगे और उनको लगता है कि यही है लेटरिन, या स्नान करने के लिए कहीं भी कपड़े उतार देंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम इनको आते हैं। फिर एक तो घर में बहुत लोगों को आकोड लगता है, या ये चिड़चिड़ कर दे फिर फेंक-फाक कर देंगे, शक लेंगे तो फिर झगड़ा झंझट होता है घर में, तो फिर ऐसे लोगों को घर में रखना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली ये कुछ लोग इसमें से जो आते हैं वो ऐसा है कि भाई अभी विचार कभी अकेले बैठ के कभी बड़बड़ कर डालते हैं, या कभी लोगों को कुछ बोल देंगे उल्टा पुल्टा, या गाली गलौज कर देंगे। तब ये डेमेंशिया जो है वो एक तो प्राइमरी डेमेंशिया है, मतलब अल्जाइमर्स हो सकता है, और दूसरा है सेकेंडरी, मतलब मल्टी इन्फार्क्ट डेमेंशिया, या फिर और कोई कारण हो गया जिसके वजह से डेमेंशिया आ गया। फिर एक सुडो डेमेंशिया होता है, सुडो डेमेंशिया मतलब डिप्रेशन है, स्किजोफ्रेनिया है, और उसके वजह से भुलक्कड़पन की बीमारी आई हुई, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। मगर उसमें अच्छा ये है कि आप डिप्रेशन ठीक करते हो तो डिमेंशिया ठीक हो जाएगा। अभी इसको, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है स्पेशली दवाइयाँ। दवाइयों से ये क्योर नहीं होता है, दवाइयों से ये ज़्यादा खराब होने से हम रोक सकते हैं। तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं मेडिसिन्स कि जो हम देते हैं, थोड़ी महंगी भी होती है, तो उसका फ़ायदा होता है। जो मेरे तरफ लोग लाते हैं तो उनको मैं डोनेपेजिल जैसी दवाइयाँ देता हूँ, मेमेंटिन जैसी दवाई देता हूँ, तो उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे B1, B6, B12 के इंजेक्शंस, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स, फिर कॉड लिवर ऑयल, वो ये लोगों में बहुत अच्छा काम में आता है, और प्रोटीन्स, प्रोटीन युक्त डाइट। वैसे कुछ आयुर्वेदिक हमने मेडिसिन बना के रखी हुई है, जिसमें शिलाजी, छतावरी, गोखरू, सफ़ेद मुसली, ये ऐसे मिक्सचर है, और वो देते तो उसमें भी बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये लोगों को हमको मतलब टालना नहीं है, ये लोगों को हमको बायकॉट नहीं करना है, लोगों के तरफ नज़रअंदाज नहीं करना है, उनको और बुरा लगता है, और उनको लगता है कि देखो हम बूढ़े हो गए तभी हमारे बच्चे हमको निगलेक्ट कर रहे हैं। ये लोगों को आप जितना निगलेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा होता है प्रॉब्लम। तो उनको इंक्लूड करो, टीवी के सामने बिठाओ, न्यूज़ बताओ, उनको कुछ ना कुछ छोटे छोटे टास्क देते जाओ। कॉम्प्लिकेट टास्क मत देना, छोटे टास्क देना है तो उनको लगेगा हाँ मैं कुछ काम का हूँ। और रात में यदि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो नींद के लिए दवाई देते हैं, तो नींद एक बार उनकी अच्छी होती 7-8 घंटे तो उनको फिर दिन में ठीक लगता है। तो नींद की तरफ ख्याल देना पड़ता है। उम्र जैसे जैसे भी बढ़ती जा रही है, लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, अभी हमको बहुत लोग 65 प्लस के दिखते हैं जो पहले दिखते नहीं थे। लोग जल्दी पहले मर जाते थे, 40-50 की उम्र में लोग मर जाते थे। अभी सब तरह का इलाज होता है, बीमारियों का इलाज होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, हार्ट सब तरह ट्रांसप्लांट हो रहे, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, तो धीरे धीरे सब रिप्लेस हो रहा है बॉडी का हिस्सा, तो ओरिजिनल कोई बचेंगे नहीं। तो ऐसे इसमें लाइफ स्पैन बहुत बढ़ा हुआ है, और लाइफ स्पैन जैसे बढ़ता है वैसे वैसे डिमेंशिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होते जाएगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगी। तो डे केयर सेंटर की भी ज़रूरत है ये लोगों को, और ये लोगों की केयर लेते तो बहुत उनको अच्छा भी लगेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।